डॉक्टर लक्ष्मी फ्रॉम रेडियंस हेयर क्लिनिक। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग मेल पैटर्न थिनिंग और बाल्डनेस। मेल पैटर्न थिनिंग इज अ जेनेटिक एंड हार्मोनल डिसऑर्डर एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिसऑर्डर। ये कंडीशन क्या है? जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब कि हम वीक जीन्स कैरी कर लेते हैं हम अपने मेटरनल और पेटर्नल साइड से। दूसरी चीज आपको मैंने ये भी बताया है कि ये कंडीशन हार्मोनल है। तो एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका 2% पार्ट होता है जिसे हम DHT बोलते हैं, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये कन्वर्ट होता है जब हमारी लाइफ में काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, जैसे कि मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन हमारे डाइट में नहीं जा रहे हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रखा है, अपसेट डाउन हो रखा है, या फिर आपका एक्यूट इलनेस हो सकती है, जैसे कि कई बार हमें डेंगू हो जाता है, अभी कोविड हुआ था जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डिरेंज हो जाता है, और ये सब रीज़न बन जाते हैं हमारे DHT हार्मोन को ट्रिगर करने के लिए। DHT हार्मोन बेसिकली आपका फ्रंट रीजन से लेके वर्टेक्स रीजन तक अफेक्ट करता है, बेसिकली योर क्राउन एरिया ऑफ द स्कैल्प। इसमें जो रूट्स रहती हैं उसको थिन करता है, बेसिकली मिनिचराइजेशन प्रोसेस ऑन हो जाता है। अब मिनिचराइजेशन क्या होता है? मिनिचराइजेशन बेसिकली आपकी रूट्स का जो साइज होता है वो ग्रेजुअल बेसिस में थिन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता हेयर को, तो हेयर का जो डायमीटर होता है वो भी साइज में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दो बालों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने शुरू हो जाता है और हमारा स्कल्प विजिबल होनी शुरू हो जाती है। अब इस कंडीशन में कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें आपका सबसे पहले जो अर्ली स्टेज होता है फ्रंटल रीजन जाना शुरू होता है, एंड आफ्टर दैट आपका टॉप एरिया जिसे हम वर्टिक्स कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होने शुरू होता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअल बेसिस पे आपका क्राउन एरिया पूरा इन्वॉल्व होने लगता है। लास्ट स्टेज में आपका फ्रंट से लेके वर्टिक्स तक पूरा क्राउन एरिया हेयर लॉस में चले जाता है, और सिर्फ आपका साइड्स एंड आपका बैक ऑफ हेड ये सिर्फ एरिया रहता है जहाँ पे DHT हार्मोन नहीं अटैक कर पाते हैं, क्योंकि वो DHT फ्री होता है एरिया, तो ये सिर्फ रह जाता है और आपका क्राउन एरिया पे लॉस हो जाता है। अब इसको प्रिवेंट करना जरूरी है क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जीन्स एंड हार्मोन हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ डाइटरी पार्ट्स होते हैं वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ में जब हमारा लास्ट स्टेज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखिरी स्टेज में सिर्फ आपका ये साइड रहते हैं और बैक साइड रहता है और यहाँ से सब लॉस हो जाता है, तो हमारे पास उस टाइम पे प्रिवेंट करने के लिए हेयर्स नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, उस प्रोसीजर में भी नहीं जा सकते क्योंकि डोनर एरिया जो आपका बैक ऑफ हेड है वो लिमिटेड हो जाता है और उस आपको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ऐसे कंडीशन में हेयर पैचेस में जा सकते हैं जो कि टोटली सेफ होता है। इसके लिए कोई मेडिकल कंडीशन अगर आपको है और आप हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं जा पा रहे हो, अगर मैं अर्ली स्टेज की भी बात करती हूँ जिसमें आपका हेयर लाइन चले जाते हैं, तो उस केस में भी आप कस्टमाइज हेयर पैचेस में जा सकते हैं, मतलब आपका फ्रंट लुक अच्छा हो सकता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं जा सकते हैं तो हेयर पैचेस में जा सकते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी लुक जो रहती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जैसे आपके 10-12 साल पहले हेयर थे वो वापस मिल जाते हैं। अब इसमें क्या है, ना तो ये पेनफुल है, दूसरी चीज़ इसमें कोई आपको मेडिकल कंडीशन भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, आप इसको ईजिली जैसे आप अपने हेयर्स को यूज़ करते हैं, लाइक कॉम्बिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, शावर लेते हैं, आप सब चीज़ कर सकते हैं, उसमें उस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा डिज़ायरेबल लुक आपको मिल जाएगा, क्योंकि टोटली सेफ होता है। बाकी और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं क्लिनिक में, जिसमें आपका स्कैल्प अच्छे से चेक भी कर सकते हैं, आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपके स्टेज के हिसाब से आपको क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा वो भी बता सकते हैं, और आपके लिए कैसा पैच आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके स्कैल्प की सिचुएशन के हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपके लिए वो क्या बेहतर है आपको पता।